जिला कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य के दिशा निर्देशन में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा डोंगरगढ़ परियोजना अधिकारी श्री ओम प्रकाश चंद्रवंशी जी के द्वारा कृषि उपज मंडी के प्रांगण में डोंगरगढ़ विकास खंड के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कुपोषण मुक्त को लेकर विशेष बैठक रखी गई। आपको बता दें, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा रखी गई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले के सभी विकास खंडों में कुपोषण मुक्त पर रोक लगाना है, जिसमें जिला कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य के द्वारा जिले के सभी महिला बाल विकास परियोजना अधिकारियों को एक लक्ष्य दिया गया है, जिसमें आगामी 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक जिले के सभी 5 वर्ष कुल के कुपोषित बच्चों को सुपोषित किए जाने का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिले में विशेष बैठक रखकर बच्चों को कुपोषण से महिलाओं को गर्भ के समय सुरक्षित रखने का एक लक्ष्य दिया गया है। एक वर्ष के भीतर सभी कुपोषित बच्चों को खान पान टीकाकरण संबंधी विशेष देखरेख में रखना है, जिससे कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा हो सके। वहीं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य खान पान विशेष देखरेख में रखते हुए सुरक्षित डिलीवरी कराने की समूची जवाबदारी मितानिन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई है, जिससे बच्चा और बच्चे की मां को सुरक्षित रखा जा सके। डोंगरगढ़ महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री ओम प्रकाश चंद्रवंशी जी और उनकी टीम के द्वारा पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को करने के कारण अब कुपोषित बच्चों की संख्या 16,000 से 4,400 रह गई है, जिसे आने वाले वर्ष तक रोकने का सतत प्रयास किया जाएगा। आज की इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डोंगरगढ़, खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग डोंगरगढ़, खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड डोंगरगढ़, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़, खाद्य निरीक्षक डोंगरगढ़, सर्व पर्यवेक्षक ICDS सर्वे AMO RHO पर्यवेक्षक मितानिन, समन्वयक स्वास्थ्य विभाग डोंगरगढ़ के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। है ना बात में, अब मान लिया कुछ खाए नहीं आया, उसके माता पिता मरेगा या काम में चले गए, बच्चे को हमारे यहाँ भेज दिया, नाश्ता तो मिल जाएगा और हम समय में नाश्ता नहीं दिए, 11 बजे हो रहे हैं, 12 बजे हो रहे हैं, तो बच्चा कितना लंबा भूखा रह गया सोचो। खाना चाहिए, ठीक है, जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास करो, हम भी बीच बीच में आएंगे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट, डोंगरगढ़। जनपद डोंगरगढ़ में रेत का अवैध काम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मिली जानकारी के अनुसार एक मामला चिचोला से लगे नहर कोहरा पंचायत के आश्रित गांव कल्लू टोला व बिसाहू टोला से सामने आया है, जहां 300 डंपर रेत को डंप करके रखा गया है। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार चुल्ली लाल साहू व भरत साहू के जमीन में रेत को डंप करके रखा गया है। गाँव वालों ने इसकी शिकायत खनिज विभाग व थाना प्रभारी को दिया है। इसमें यह भी बात सामने आई है, कुछ कांग्रेस के बड़े नेता रेत के अवैध काम करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले खनिज विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें लालू टोला निवासी मोहम्मद जाकिर खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था व उनके ऊपर 8 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में आरोपी की पत्नी उप सरपंच सबाना खान के पत्र ने जिले की राजनीति गर्मा दी थी। आरोपी की पत्नी ने पत्र में लिखा था कि कांग्रेस नेताओं के इशारे पर खनिज विभाग कार्रवाई कर रही है। अब देखना है कि खनिज विभाग इस रेत के अवैध काम कर रहे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट, डोंगरगढ़। लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार रहे गोमती साई को भारी बहुमत से जीत मिलने से लोकसभा क्षेत्र के सभी 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने एवं मतदाताओं का आभार व्यक्त एवं धन्यवाद देने के निर्देश के बाद अब निर्वाचित रायगढ़ लोकसभा के सांसद श्रीमती गोमती साय योजनाबद्ध तरीके से अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर आभार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में सारंगढ़ नगर में पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, वहीं विजय रैली निकालकर लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस दौरान नगर के व्यापारी आम जन एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर प्रथम नगर आगमन पर स्वागत करते हुए नवनिर्वाचित सांसद से रेल लाइन सुविधा एवं सारंगढ़ जिला निर्माण की मांग प्रमुखता से रखी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रामकुमार थुरिया की रिपोर्ट, रायगढ़, छत्तीसगढ़। बलरामपुर जिले के राजापुर के निवासी आशीष कुमार सोनी पिता जयप्रकाश सोनी ने किया नीट के प्री मेडिकल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन। वह बलरामपुर जिले के व्यक्तिगत राजपुर के रहने वाले हैं। आशीष कुमार सोनी ने अपनी पढ़ाई सेंट जेवियर हाई स्कूल राजपुर से पूरी की। हायर सेकेंडरी है तो अंबिकापुर के कारमेल स्कूल समाप्त करते हुए प्री मेडिकल की तैयारी है तो एलएन कोटा में कड़ी परिश्रम करके आज कामयाबी हासिल की। आशीष जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहकर भी प्री मेडिकल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 528 नंबर लाते हुए अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने घर वालों का भी नाम रोशन किया है। जैसा कि आशीष कुमार सोनी के पिताजी जयप्रकाश सोनी जो कि पेशे से दुकानदार हैं, उन्होंने अपने पुत्र को साहस के साथ बढ़ाया है। इसी के साथ आशीष कुमार सोनी इस कामयाबी का श्रेय अपने पूरे परिवार वालों को दे रहे हैं।
टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रभाकर सोनी की रिपोर्ट, बलरामपुर। एसडीएम डोंगरगढ़ ने टीवी वन इंडिया न्यूज के डेस्क को जानकारी देते हुए बताया कि नजूल खसरा नंबर 405 में भूमि 5000 वर्ग फुट ही है, परंतु नासमझ ने 5000 वर्ग फीट को 135036 वर्ग फीट किया है। आपको बता दें, कथित संवाददाता द्वारा कूट रचना कर शेख वजीर के नाम पर दर्ज 5000 स्क्वायर फीट जमीन को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज कराने वाले मामले में आज नया खुलासा हुआ है। शेख वजीर की मौत होने के कारण उनके बेटे शेख परवेज और पप्पू निवासी स्टेशन पारा नंद गांव सहित 5 अन्य वारिसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपते हुए एक अखबार के संवाददाता विलास जाम्बुलकर के खिलाफ उनके पिता शेख वजीर के नाम पर दर्ज 5000 स्क्वायर फीट जमीन को षड्यंत्र पूर्वक अपने परिवार व अन्य सदस्यों के नाम पर दर्ज कराने की शिकायत करते हुए उनके पिता के नाम पर दर्ज 5000 स्क्वायर फुट जमीन को वापस दिलाने एवं विलास जाम्बुलकर व अन्य सदस्य सहित इस कूट रचना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इधर एसडीएम प्रेम प्रकाश शर्मा ने वारिसजनों को जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जमीन के इस फर्जीवाड़े में जिले के बड़े कांग्रेसी नेता का संरक्षण एवं हाथ होने की खबर सामने आ रही है, जिसके मार्गदर्शन में विराज जाम्बुलकर ने इस कूट रचना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मामले को लगभग एक साल बीतने जा रहा है, उक्त सरकारी कर्मचारी के पास केवल एग्रीमेंट का आश्वासन है। इधर विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि भूखंड क्रमांक 405 का वास्तविक क्षेत्रफल 5000 स्क्वायर वर्ग फुट ही है, फिर इसे 135036 वर्ग फुट कैसे किया गया, इसकी भी जाँच जारी है। बहुत जल्द ही इसका भी खुलासा हो जाएगा कि आखिर इस कूट रचना के सूत्रधार कौन है और कौन कौन इसमें शामिल है। आप किस समस्या को लेकर यहाँ पहुँचे हैं? सर, हम अपने जमीन की समस्या को लेकर यहाँ पहुँचे हैं कि जमीन हमारे नवीनीकरण के लिए आया था आवेदन सन 85 में, तो उसी आवेदन को लेकर हम यहाँ प्रस्तुत हुए हैं कि हमको नवीनीकरण करके हमको पट्टा दिया जाए। तो सन 85 में जब आपको आवेदन आया था, उसके बाद आप 2019 में आ रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्या है सर, उस समय अपने को उतना जानकारी नहीं थी, पट्टा उसी समय जल के खत्म हो गया था, उसी दरमियान हमारे जेठ भी जल के खत्म हो चुके थे, उसके बाद सब बच्चे छोटे छोटे थे, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, रोज कमाना रोज खाना लगा हुआ था हमारा, इसलिए हम इसके लिए कुछ कार्यवाही नहीं कर पाए सर। हम आप लोग स्थानीय डोंगरगढ़ पे ही रहते हैं? जी हाँ, डोंगरगढ़ पे ही रहते हैं। आपकी जमीन कहाँ पास है? हमारी जमीन नाके के पास में है सर। नाके के पास कहाँ? बोरतला रोड। जी नव भारत विलास जाम्बुलकर जो है हमारे जमीन में कब्जा करके बैठा हुआ है वो। आपको कैसे मालूम कि आपकी जमीन में कब्जा किया? वही सर, पहले हमारे जब मिस्टर थे तो बताते थे कि हम छोटे छोटे थे, हमारे अब्बा ने बताया थे ये जमीन हमारे यहाँ पर है और वहाँ पर हम खूंटा भी गड़ाए थे करके। वही जमीन आपकी? जी हाँ, वही जमीन हमारी। लेकिन वहाँ पर तो फॉरेस्ट विभाग का भी ऑफिस था, वहाँ पर डीजीएम था, वो हमारी जमीन है। जहाँ तक पता, कितनी जमीन आपको पता? 5000 वर्ग फीट है सर। क्या नाम है आपका? की भी जो है शासन को इंक्वायरी करना चाहिए और इसका जो है पूरा पूरा अगर गलत किया है तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। आपका खसरा नंबर क्या है? 405। क्या छोड़ा इसमें? संलग्न किया ना 3 एकड़, और उसमें कैसे संलग्न हो गया? किसने बेचा, किससे खरीदा? जमीन हमारी जमीन तो 5000 वर्ग फुट है, ना नीचे है ना ऊपर है। 3 एकड़ 10 डिसमिल को कैसे अपना कैसे परिवर्तित किया 3 एकड़ 10? इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। शासन से हमारी ये मांग है, और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे इतना बड़ा परिवार है, आज हमारे बच्चे जो हैं, हम उनको मकान की जरूरत है और ये हमको कमजोर देखकर ही दबा रहे हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़। गौरेला में युवकों को महिलाओं से छींटाकशी और बसलूकी करना महंगा पड़ गया। पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने सभी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पूरा मामला देर रात का है, जब बिलासपुर के रहने वाला गोस्वामी परिवार अपने परिवार के साथ श्राद्ध के कार्यक्रम कर अमरकंटक से वापस बिलासपुर जाने को निकले और केवची तिराहे के होटल में खाना खा रहे थे। उसी दौरान गौरेला के रहने वाले 4 युवक भी ढाबे में मौजूद रहे। वे महिलाओं को देखकर उनसे अश्लील कमेंट्स करने लगे। इतना ही नहीं, युवकों ने महिलाओं को देख गंदे गंदे गाने भी गाए, जिसके बाद महिलाओं के साथ होटल में खाना खा रहे पुरुषों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो आरोपी युवकों ने उनके साथ भी गाली गलौज किया, जिसके बाद पीड़ित परिवार केवची ढाबे से सीधे गौरेला के थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ लिखी शिकायत की, जिसके बाद गौरेला पुलिस की पेट्रोलिंग टीम केवची ढाबे पर पहुंची और सभी चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर गौरेला थाने आ गई, जहां पर पुलिस ने पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। नहीं, मैं संदेश जो करता हूँ।
के ऑटो में लेके वहाँ से ऑटो में खाना 5 बजे के चक्कर सुबह होगा तो लड़की अच्छी बिची वाली देते हैं साला एक का। गौरेला थाने में छेड़छाड़ और मारपीट का मामला आया है सर, क्या जानकारी है इसकी, कौन है युवक? जी प्रार्थी है प्रियंका गोस्वामी, पति गिरिराज गोस्वामी जो बिलासपुर के रहने वाला है। अपने पुरखों के श्राद्ध विसर्जन के लिए रात्रि 1 बजे करीब बिलासपुर से निकले थे, 11/6/19 की रात्रि लगभग 1 बजे निकले थे अमरकंटक के लिए। अमरकंटक में श्राद्ध विसर्जन के बाद वापस करीब 3-3:30 बजे लौट रहे थे। बीच में केवजी पड़ता है जहाँ ढाबा है, ये लोग खाना खा रहे थे। प्रार्थी और अपने पति और उन अन्य रिश्तेदार साथ में थे। उसी दौरान गौरेला के रहने वाले 4 लड़के इशारा करते हुए अश्लील गाना गा रहे थे, जिसे प्रार्थी द्वारा मना करने पर भी नहीं माना। उसके बाद उसके पति पुनः समझाने लगा, जिस पर आपस में मारपीट हुई है, अश्लील गाली गुफ्तार हुआ है, जान से मारने की धमकी दिया गया है, महिला से छेड़छाड़ हुई है। प्रार्थना की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर विजनम लिया गया। क्या धाराएं लगी सर? मारपीट की लगी है, गाली गुफ्तार का है, छेड़छाड़ की धारा लगी है। कितने आरोपी पकड़े? 4 आरोपी पूरे पकड़ा गए। क्या क्या नाम जी? नाम क्या क्या? नाम उसका है प्रशांत राजावनी, है ना, विशाल साजिदा, प्रदीप कुमार चक्रधारी, दीपक पनिका। वो जो 4 आरोपी जो है पास गौरेला शर्मा चौक पुराना गौरेला। टीवी1 इंडिया न्यूज़ के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट, पेंड्रा।